टीशर्ट्स के बेहतर नतीजों से पूरे आईटी सेक्टर पर भरा जोश, शेयर करीब 3% ऊपर। वायदा के टॉप गेनर बने एम्फेसिस, इन्फोएज, विप्रो, कोफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री भी खरीदारी की नजर में। अब बाजार की नजरें एचसीएल टेक के नतीजों पर। आईटी शेयर्स के दम पर निफ्टी ने पकड़ी रफ्तार, 24,400 के करीब पहुंचा इंडेक्स। सरकारी बैंक, एनर्जी में भी रौनक। पहली तिमाही के नतीजों से पहले इरेडा 4% ऊपर, पहुंचा नए शिखर पर। एक साल में करीब 370% के रिटर्न दिए। इधर बजट में मेगा पुश की उम्मीद में रेलटेल, इरकॉन, आरवीएनएल भी लाइफ हाई पर। और बजट से पहले फर्टिलाइजर शेयर्स में भी जोरदार हलचल, आरसीएफ, फैक्ट, एनएफएल, जीएसएफसी 5-5% ऊपर। मुंबई में फिर जोरदार बारिश, इस वीकेंड कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में भी भारी बारिश की आईएमडी की चेतावनी। और आज होगी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी, शामिल होंगे देश और दुनिया के वीवीआईपीज गेस्ट लिस्ट में। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल, कई देशों के पूर्व पीएम और बड़ी कंपनियों के सीईओज भी बनेंगे मेहमान। तो भाई आज शादी के दिन भर हम आपको जो है हलचल और तस्वीरें दिखाते रहेंगे। और इस बीच मार्केट में रौनक तो है, लेकिन बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा है। और ये अपना एचडीएफसी बैंक लेके आइए, वही है खेल को बिगाड़ रहा है। सर्वेंद्र जी आज के मेहमान हैं। सर्वेंद्र जी, एचडीएफसी बैंक में क्या करेंगे आप, पहले तो आज ये बताइए। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, हफ्ता जैसे आपने बोला, हफ्ता क्लोज पे है और अभी भी सारे इंडेक्सेस अपने दायरों पे, ऊपर के दायरों पे जहां अटकना है, जहां में प्रेशर जोन लग रहे हैं वहां अटके हैं। तो 24,500-24,600 हम बोल रहे हैं लास्ट 10 दिन से कि भाई निफ्टी अटकेगा, तो अटक रहा है। तो जब तक वो हाइपोथेसिस चल रही है तब तक ऐसे ही लग रहा है कि वो अटक रहा है और मोमेंटम भी अब धीमे धीमे साथ छोड़ रहा है। बैंक निफ्टी के केस में भी अगर आप देखें तो आई थिंक 52,500-53,000 के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ आप जा नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये अटक रहा है। एंड यस, बैंक निफ्टी के लिए तो सबसे ज्यादा चिंता का विषय अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक ही रहेगा। और इस पर हमने लास्ट क्लोज में जब चर्चा भी की है तो यही डिसाइड, मतलब यही बाजार ने डिसाइड करके दिया हुआ है कि लास्ट 3 साल से 1750 और 1450 के मोटा मोटी इस दायरे में है, प्लस माइनस टॉप बॉटम से आप एक 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे ले लेंगे, बट ब्रॉडली ये इस रेंजेस के अंदर ही रह रहा है। और 3-4 बार ये रेंज चल चुकी है, तो ऊपर में 3-4 बार अटक चुका है, नीचे में 2-2.5 बार सपोर्ट ले चुका है। तो थॉट यही है कि जब इतनी बड़ी रेंज में अटक के चल रहा है तो जब तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक रेंज बड़ी मतलब बहुत चिपकू चीज होती है। तो रेंज इसको चिपक गई है, तो 1450 की रेंज चिपक गई है, इस बार भी ऊपर से ही पलटा है। तो थॉट वही रहेगा कि जाएगा तो फिर पूरा 1450 तक ही धीमे धीमे जाएगा, टाइम लगता है बट कुछ महीनों में मुझे लगता है कि धीमे धीमे उधर ही फिसलेगा। ओके, चिपक गई है रेंज। अच्छा, आज सोशल मीडिया का दिन है तो आप लोग फटाफट अपने सवाल हमारे ट्विटर हैंडल और तमाम सोशल मीडियाज पे भेजते रहिए, मैं क्वेश्चन वहीं से लूँगा, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लूँ। तो ये तो हो गया एचडीएफसी की बात, और आप लोग सवाल भेजते रहिए। सर्वेंद्र जी, निफ्टी पे क्विक व्यू। निफ्टी पे नीरज जी, क्विक व्यू वही है कि भाई 2450-2600 के बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लगता, 2500-600 वाला दायरा रहेगा। इस हफ्ते का मेरा वही क्वालिफाइंग मार्क था, तो उस क्वालिफाइंग मार्क को आज ये लग नहीं रहा अभी फिलहाल पास कर पाएगा। तो थॉट यही रहेगा कि बायस, ट्रेडिंग बायस हल्का सा रुझान नेगेटिव रहेगा। नीचे में हमने बोला है 23,000-23,500 के टारगेट्स हमें आते हुए नेक्स्ट 10-15 दिनों में वर्किंग डेज में यहाँ नीचे में दिखते हैं। बनिस्पत जैसे मैंने बोला ये रेंजेस नहीं निकले, और बैंक निफ्टी के लिए भी 53,000-53,200 वो दायरा रहेगा क्वालिफाइंग मार्क। अगर उसके ऊपर नहीं निकलता तो मुझे लगता है नीचे 51,000-51,500 की तरफ माफ कीजिएगा फिसलेगा। ओके, चलिए अब फटाफट सवाल लेना शुरू करते हैं। पिंकू कुमार है हमारे साथ, इन्होंने अपना सवाल भेजा है ग्राइंडवेल नॉर्टन के बारे में। ये कह रहे हैं कि इनके पास 30 शेयर हैं, 1934 के प्राइस पर उन्होंने लिया है। अभी जानना चाहते हैं कि इसमें मुनाफा वसूल लें या होल्ड करें कुछ और समय के लिए। देखिए, मेरे हिसाब से शेयर जब तक चल रहा होता है आप उसको थोड़ा चलने देंगे। थॉट मेरा यही है कि यहाँ से आप एक 10-15 दिन का एक फिल्टर लगाएं इसमें, और फिलहाल चल रहा है, पलटा है थोड़ा सा ऊपर से, बट आई थिंक स्टिल इन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म सेटअप आई थिंक जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे हिसाब से आ रहे हैं वो तकरीबन 2600 के आसपास ही आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट स्विंग हाई उन एरियाज के आसपास ही था। तो आप जब इतना वेट कर चुके हैं तो मेरे ख्याल से 80 पॉइंट और 2594 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से यहाँ रखें, और मेरे हिसाब से फिलहाल
15 दिन और ट्रेड में बने रहे, उछालों में दोबारा राय ले लें, लगता तो नहीं है अभी फिलहाल इमीडिएटली 3000 के ऊपर जा रहा है, तो उन एरियाज में मुनाफा भी अगर बांधेंगे तो अच्छा रहेगा, बट चाहे तो 15 दिन बाद कॉल दोबारा ले लें इसमें, इन द मीन टाइम स्टॉप लॉस जो मैंने बताया वो लगाएं। ओके, केकेआर फॉरएवर ये कह रहे हैं कि इनके पास 5 लाख रुपए 10 साल के लिए लगाना चाहते हैं, क्या कहाँ लगा दें? देखिए 5 लाख रुपए 10 साल के लिए लगाना चाहते हैं तो इन एलिवेटेड लेवल से फिर एक साथ, मैंने भाई बोलता हूँ कि एक साथ नहीं लगा सकते, धीमे धीमे एसआईपी करें क्वालिटी नेम्स में, यही एक राय रहेगी कि क्वालिटी नेम्स में धीमे धीमे एसआईपी करें, और 10 साल के लिए अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो एटलीस्ट 12 महीने में उसको तोड़ के लगाएं, 12 या 24 महीने में धीमे धीमे डालें, तो उस पूरे पैसे का हिस्सा कर लें 12 या 24, और हर महीने थोड़ा थोड़ा डालें अच्छे नामों में। ओके, अच्छे नामों में डालें, और बहुत सारे इस वक्त चल रहे हैं। एक क्विक क्वेश्चन राहुल प्रजापति का, रेलवे वाले बहुत चल रहे हैं, RVNL 474 शेयर है 145 वाले भाव पर, CDSL 125 शेयर है 1625 वाले भाव पर, क्या करना चाहिए? देखिए रेलवे की थीम तो बजट के साथ बहुत बढ़िया चली है, मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ये सब सारे के सारे ज्यादा चले हुए हैं, और सारे के सारे मल्टी बैगर है सारे पूरी बास्केट, तो अब यहाँ से जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ओवर बॉट है तो नए समीकरण तो नहीं निकलेंगे, बट अगर आप पुराने लेके बैठे हैं तो आप मेरे ख्याल से बने रहिए। RVNL में मुझे ट्रेलिंग के लिए जो अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं वो तकरीबन 560 के आसपास की एरिया है, थोड़ी कंजर्वेटिव, और अगर एग्रेसिव थोड़ा स्टॉप लगाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि फिर 600 के आसपास आएगा, तो 540 या 600 दो स्टॉप्स हैं, एक कंजर्वेटिव एक एग्रेसिव, जो लगाना चाहे दोनों में से मेरे ख्याल से ट्रेलिंग एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना इनको यहाँ चाहिए। और दूसरा इनका जो CDSL है वहाँ ये देखिए मार्केट के रुझान के साथ, ये स्टॉक तो पूरा का पूरा मार्केट डिपेंडेंट है, फ्लेवर ही पूरा अंडरलाइंग मार्केट ही है, थॉट यही है कि भाई देखिए काफी चला हुआ है ये भी ओवरबॉट है, बट अगर बने रहना चाहें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूर इसमें इस्तेमाल करें और लगा के रखें, मुझे लगता है कि तकरीबन 2200 के आसपास 2200-2250 के आसपास सपोर्ट्स हैं, उन एरियाज के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखें ट्रेलिंग। ओके शरण जी, एक मिनट रुकिएगा जरा, आनंद राठी वेल्थ के मैनेजमेंट से बात कर लेते हैं नतीजों पे। कंपनी के नतीजे आए हैं पहली तिमाही में और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है, रेवेन्यू में करीब 38% की ग्रोथ देखने को मिली है साधार पर, और मुनाफा भी इनका काफ़ी ज़बरदस्त करीब करीब 53 से बढ़ के 73 करोड़ हो गया है, AUM में भी करीब 60% की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के डायरेक्टर चेतन शनॉय हमारे साथ हैं, चेतन बहुत बहुत स्वागत है आपका, नंबर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, मार्जिन एकदम फ्लैट, कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? नमस्कार नीरज जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। हमारा जो रिजल्ट है आप अगर देखने जाओगे तो नीरज जी रेवेन्यू वाइज जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो उसमें लगभग 38% का ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको, 234 करोड़ का हमारा टोटल प्रॉफिट डिक्लेयर किया हमने इन द फर्स्ट क्वार्टर, और कंपेयर टू द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर, ईयर ऑन ईयर आप देखने जाओगे तो पैट में भी कोइंसिडेंटली वही 38% का ग्रोथ देखा है, 53 करोड़ से हम 73 करोड़ का पैट देख रहे हैं, और AUM में जैसे आपने सही फरमाया कि 59% का ग्रोथ है पहले क्वार्टर में, जो हम 43,400 करोड़ से 69,000 करोड़ का ग्रोथ देखा है। मार्जिन जो है हमारा कभी भी वेरी नहीं होने वाला है, वो स्टेबल होने वाला है, वो एक पॉजिटिव तरीके से मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि हम मार्जिन पे फोकस नहीं करते, हम AUM पे फोकस करते हैं, जो हमारा मार्जिन है उसके मुताबिक हम सर्विस डिलीवर करते हैं और वो मार्जिन कमाने का के लायक बन जाते हैं, तो ये हमारा मॉडल रहा है। तो चेतन जी बहुत पैसा आ रहा है आजकल लोगों के पास, सब मार्केट की तरफ लेके आ रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए ज्योग्राफिकली किधर से ज्यादा पैसे आ रहे हैं? हाँ काफी बिल्कुल बहाव जो है जैसे आपने बताया वो इक्विटी की तरफ डेफिनेटली बहाव उस तरफ है, लगभग 2 साल पहले अगर हम बात करते तो बहाव हमारे तरफ नहीं था, इनफैक्ट इक्विटी मार्केट का 1 साल का रिटर्न भी नेगेटिव था, तो कभी कभी इस बहाव का हमें फायदा मिल जाता है और कभी कभी हमें बहाव का नुकसान भी हो जाता है, जो टेलविंड और हेडविंड बोला जाता है, तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि अभी जो है हमें बहाव का फायदा मिल रहा है, तो पहले क्वार्टर में वो बहाव का फायदा तो मिला ही है, बट उसके अलावा आप देखने जाओगे अगर तो हमारा जो नेट मोबिलाइजेशन जो है, जो नेट फ्लो है, नया पैसा जो हमारे पास आया हुआ है, तो लगभग 3,364 करोड़ का नया पैसा आया हुआ है हमारे पास,
जो मेहनत वाला पैसा है, जो क्लाइंटों को मिलके जो नया पैसा आया हुआ है, तो वो आया हुआ है, उसका भाव का फायदा तो हो ही रहा है। क्या पैसा लाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है? हमको लगता है खुद ही चल के आ रहा होगा। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट एवेन्यू इस समय इक्विटी है, तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है क्या? देखिए क्या होता है कि मेहनत उस जगह पे लगती है जहां दूसरे एसेट क्लास से एसेट क्लास में पैसे लेके आने पड़ते हैं और दूसरा एसेट क्लास लिक्विड नहीं होता। अगर लिक्विड पैसा लेके आने की बात कर रहे हो, जैसे एसआईपी में होता है, तो वो एसआईपी में पैसे लेके आना आजकल लिक्विडिटी से लेके आना बहुत आसान हो गया है। बट अगर आप देखने जाओगे तो नया पैसा दूसरे एसेट क्लास से निकाल के इधर लेके आना, टैक्स इंप्लीकेशन समझाना क्लाइंटों को और इधर लेके आना, या रियल एस्टेट से निकाल के लेके आने में मेहनत तो लगती है नीरज जी आज के दिन पे भी। नहीं, नो डाउट, और आप लोग मेहनत कर भी बहुत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाजार इस समय जिस रेंज में पहुंच गया है, चूंकि आपका मेन प्रोडक्ट वही, वहीं से आप कमाई कर रहे हैं, क्या कोई डर आशंका या चिंता है इसमें, या लगता है कि अभी तो ये चलता ही रहेगा सही पूरा? देखिए हमारा जो स्ट्रैटेजी है, जो हम क्लाइंट के पास लेके जाते हैं, वो लगभग सेम ही रहा है। हम इक्विटी और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के मिक्स से हम क्लाइंटों का पोर्टफोलियो बनाते हैं और उससे एक स्टेडी स्टेट रिटर्न लेके आते हैं, और वही क्लाइंटों को पसंद है। आप देखने जाओगे तो हमारा जो क्लाइंट एट्रिशन जो है वो 0.1% पे रहा है इस क्वार्टर का। हमारा जो आरएम एट्रिशन है वो लगभग लगातार 4 क्वार्टर जीरो रहा है। सो लीकेज जो है वो बहुत कम हो रहा है नीरज जी, आप अगर देखने जाओगे तो जो नया पैसा आ रहा है वो तो आ ही रहा है, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम जब 4 कदम आगे चले, 1 कदम पीछे ना लग जाए क्योंकि क्लाइंट छोड़ के चले गए या आरएम छोड़ के चले गए। तो ये सब का जो फायदा है, साथ मिलके हमारा AUM पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। चेतन जी, पैसा वापस जाने का, एट्रिशन होने का सवाल ही नहीं है, जो कि इसके अलावा और ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। बेस्ट क्लास है जहाँ पे पैसे बन रहे हैं। मेरी एक चीज़ बताइए, चूँकि आप लोग, आप कह रहे हैं मेहनत से रहें, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है आपसे, कितना पैसा आप उसको बना के देंगे? एवरेज रिटर्न उटर्न की कोई एक्सपेक्टेशन वो लोग रखते हैं, या आप उनको कुछ एक्सपेक्टेशंस देते हैं? बिल्कुल नीरज जी, हमारे बिजनेस में आई थिंक एक्सपेक्टेशन का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्योंकि जैसा कि पिछले साल गया, जब लोग 40-50% का रिटर्न देखते हैं तो ऐसे एक्सपेक्टेशन लेके आ भी सकते हैं। ऑफ कोर्स इंडियन इन्वेस्टर्स बहुत मैच्योर हो गए हैं, और हम जिन क्लाइंटों से डील कर रहे हैं वो HNI इन्वेस्टर्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, 5 करोड़ के ऊपर वाले इन्वेस्टेबल नेटवर्क, तो बहुत मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स होते हैं। बट जो हम एक्सपेक्टेशंस सेट करते हैं क्लाइंटों के साथ, वो 12 से 14% का एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ऑफकोर्स पिछले साल जैसा एक बोनस साल आ जाता है और दिखने को मिलता है 40-50% का रिटर्न, बट लॉन्ग टर्म में हम 14 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखते हैं क्लाइंटों को, 12 से 15 मान के चलिए, अलग अलग पोर्टफोलियो के लिए। कंजर्वेटिव के लिए हम 12% का एक पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेशन रखते हैं और पोर्टफोलियो ऐसे बनाते हैं। और मार्केट से भी नीरज जी, ये तो आपको, आप तो जानते ही हो, आप तो मार्केट एक्सपर्ट हो खुद ही, लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट से 11-12% का रिटर्न आया है। और हम क्योंकि एक्टिव मैनेजमेंट फंड्स करते हैं, तो वो जो अल्फा बोला जाता है, वो एक्स्ट्रा रिटर्न जो आता है, हम बोल रहे हैं कि 3% तो बन ही सकता है। ऑफ कोर्स 2018 जैसा साल रहा है जहां वो अल्फा जनरेट करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा है, तो ऐसे साल भी आएंगे आगे जाके, तो लेकिन लॉन्ग टर्म में 3% अल्फा, 12% रिटर्न, तो 14-15% का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सही है सर, और HNI इसमें बहुत खुश होते हैं, उनको पता है कि 14-15% पे अगर पैसा ग्रो कर रहा है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और नो डाउट आप लोग काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं सर। चेतन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको अगले क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आनंद राठी वेल्थ, ज़बरदस्त नतीजे, AUM में 60% की ग्रोथ, इसी से आप समझिए कि मार्केट में कितना बुलिशनेस है, क्योंकि इनका काम ही है पैसे कमा के देना, और तमाम जो 2-3 लिस्टेड कंपनी है वेल्थ वाली, सबके नतीजे आप देखिएगा ऐसे ही दिखेंगे। सरवेन जी के पास वापस चलते, सरवेन जी अभी आपने सुना जी 60% AUM बढ़ा है, पैसे कमी नहीं है जी जी जी, आई थिंक देखिए मास जो है जब एक साथ सोचती है तो पैसे, तो बिल्कुल पैसे की कमी नहीं है इस मार्केट में, डेफिनेटली आई एग्री। बट जैसे उन्होंने बोला शनाई जी ने कि भाई थोड़ी मेहनत लगती है, बड़े लोगों से पैसा निकालने में थोड़ी मेहनत लगती है, और दूसरे एसेट चर्निंग में भी, एसेट अगर आप एक बेच के दूसरे में आ रहे हैं तो उसमें भी मेहनत लगती है। बट जो सबसे अच्छी बात लगी और जो सारे निवेशकों को समझनी चाहिए कि भाई
जो जो फंड ये 3-4 हजार करोड़ या आई थिंक 3-4 हजार करोड़ की एम बढ़ी है, तो कुछ उससे ज्यादा ही इनके पास 10-12-15 हजार करोड़ होंगे, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, बट जो भी है इतना बड़ा पैसा संभालने वाला आदमी अगर आपको ये समझा रहा है कि भाई 12+3 14-15% का एक्सपेक्टेशन आप रखिए इन द लॉन्ग रन, और ये गए साल जैसे साल एकाधी आएंगे, तो उससे आप ये मत सोच लीजिए कि सारे साल वैसे ही रहेंगे। तो मुझे डॉक्टर मिस्टर बजाज की वो अंदाज अपना अपना की लाइन याद आती है कि मुर्गियों का फार्म, वैसा मत सोचिए कि अंडे होंगे मुर्गी होगी अंडे, ये कोई इनफिनिट इनफाइनाइट गेम नहीं है, ये जाके कहीं जाके अपने लॉन्ग टर्म एवरेज पे रुकता है हमेशा, 200 साल का इतिहास है कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेज की तरफ आता ही है पलट के। तो आप एक्सपेक्टेशन 14-15 रखिए तो आप निराश नहीं होंगे और पैसे भी ठीक ठाक बनते रहेंगे, और अगर आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो फिर आप निराश होंगे और फिर आपको दुख होगा। तो इसलिए आई थिंक एक्सपेक्टेशन सही रखना बहुत बहुत जरूरी है इस बाजार से। 70,000 करोड़ रुपए मैनेज कर रहे हैं, बहुत 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 काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है, मतलब अगर 5 करोड़ टिकट साइज और 70,000 मैनेज कर रहे हैं तो मतलब बहुत 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 लोगों को कन्विंस किया है इन्होंने अपने पास आने के लिए, और डेफिनेटली प्रोडक्ट में इनके डेफिनेटली कुछ होगा जूस, तभी इतने लोग आ रहे हैं। ओके अच्छा श्याम सिंह का एक सवाल लेते हैं, इन्होंने लिखा है कि इनको 2 IPO लगे थे, एक JSW इंफ्रा और एक इरेडा, दोनों के इन्होंने रखे हुए हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, 17 साल रखना चाहते हैं, 17 हो सकता है बच्चे की एज से जोड़ के इन्होंने 17 साल बनाया हो, तो अब देखिए ये दोनों स्टॉक जो ले रखे हैं इरेडा और JSW इंफ्रा, इनको लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए और पैसा बन रहा है तो क्या दिक्कत है? देखिए थ्योरेटिकल, और अगर इसको आप थ्योरेटिकल देखेंगे तो यस अच्छे स्टॉक्स आपको होल्ड करने चाहिए, अभी 17 साल तक ये सारे स्टॉक्स, इनके पास डेटा बहुत कम है, इनके IPOs अभी आए तो इनके पास वो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उतना पीछे की मैं इसमें 17 साल आगे का बोलूं, बट एज अ सेंटीमेंट जो भावना इनकी है वो सही है कि भाई आप अच्छे स्टॉक्स अगर आपको लग गए हैं, आपको पैसे बन रहे हैं तो आप उनको रखना चाहेंगे, और बच्चों की पढ़ाई और आगे की रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए रख रहे हैं, तो दैट इज हाउ, उसी तरह से आपको इक्विटी मार्केट्स को देखना चाहिए, एक लॉन्ग रन गेम में देखना चाहिए, और बीच बीच में जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 4-8 साल में उसको रिव्यू करते रहे कि क्या निकालना है क्या नया लेना है, बिकॉज 4-8 साल में बाजार का कलर चेंज होता रहता है, स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं, तो बीच बीच में आपको थोड़ा सा चर्निंग और थोड़ा सा एलोकेशन करते रहना है। जी जी विशाल दिवाकर के 2 सवाल हैं, आई हैव ONGC 305 पर और DLF 833 पर, क्या करना चाहिए? DLF और ONGC ने आज अपना 10 साल का हाई टच किया है, 10 इयर्स बाद 310 पे पहुंचा है, बताइए दोनों में क्या करना है? देखिए दोनों ही बढ़िया लग रहे हैं लंबी अवधि के हिसाब से, अब यहाँ पे फिलहाल पीछे से दोनों चले हुए हैं, लेकिन ONGC के केस में उसको सपोर्टिंग ये है कि भाई अभी क्रूड मुझे लग रहा है कि क्रूड में बहुत जान बाकी है, तो क्रूड अगर चलेगा तो ONGC को उसका बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है, तो मेरे हिसाब से, और लेवल भी अच्छे आ गए, अभी एग्जैक्ट पूरा ब्रेकआउट इसमें हो जाए तो और उसको सस्टेन कर ले, देखिए इस लेवल पे जाना एक अलग बात है और उसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करना एक अलग बात है, इसका हाई है 2014 का, देखिए ना 18 के बुल मार्केट ने पार्टिसिपेट किया ना 20-21 के, इसका हाई है 14 का और वो है तकरीबन 315 के आसपास, तो अभी भी उससे 5 रुपए नीचे चल रहा है, इन लेवल्स के ब्रेकआउट जरूरी है, मतलब आप जब लॉन्ग टर्म रीरेटिंग करना चाहेंगे ONGC की तो आप चाहेंगे कि ये 315 को ब्रेकआउट कर ले, जो मुझे लग रहा है हो जाएगा क्योंकि क्रूड में हमारे बहुत सारे टारगेट्स बाकी हैं, तो अब यहां से नए ट्रेड के लिए अगर आपको वेट पुराना है तो आप रखें, नया ट्रेड तो आप 315 और 320 के डिसाइसिव प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ जब ये स्टॉक चलेगा तभी आप करेंगे, तो आपको 5-10 पॉइंट का धैर्य यहां रखना पड़ेगा, 320 एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हो जाए आपको वहां प्राइस वॉल्यूम दिख जाए तो ही आप ONGC में नई पोजीशन बनाएंगे, पुरानी है तो आप रखे रहेंगे, यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे तो अराउंड 285 के आसपास मुझे लगता है कि आप यहाँ पे 284-40 आप रख लें ONGC में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और बने रहे। DLF के केस में थोड़ा अलग है व्यू क्योंकि यहाँ एक मल्टी मंथ करेक्शन मुझे लग रहा है लास्ट 2-3 महीने से चल रहा है, तो उसका क्वार्टरली क्लोज भी नेगेटिव आ गया है, तो मुझे लगता है कि 1-3 महीना थोड़ा यहाँ पे DLF में साइडवेज जोन रहेंगे, तकरीबन 900 से लेके 780 की रेंज मुझे लगती है उन एरियाज में पॉसिबली ये ट्रेड करेगा, तो अभी यहाँ पे 1-3 महीने रेंज बाउंड व्यू है DLF में। ओके IS खंडेलवाल का सवाल है, पिरामल एंटरप्राइजेस पर 890 पे लिया है, मुनाफा वसूल है या क्या बदले हैं इसमें? देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा बने रहे डिफेंसिव्स में, हमको लग रहा है कि और इसमें तो मल्टी मंथ एक लंबा कंसोलिडेशन करेक्शन यहाँ पूरा लग रहा है, तो ये अलग है एक चार्ट है, अंडर परफॉर्मेंस रही है तो शायद रिवॉर्ड हो जाएगी और चलना शुरू किया है, एक बढ़िया मंथली क्लोज इसका गया, पिछले महीने का जो क्लोज था काफी बढ़िया एक मंथली क्लोज गया है और क्वार्टरली सेटअप्स भी इसके अच्छे बने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1-3 महीना ये एक पॉजिटिव फ्लेवर के साथ ट्रेड करेगा, तो फिलहाल ट्रेड में बने रहे, 200 दिन का जो इसका एवरेज है वो तकरीबन आई थिंक 890 के आसपास है, उसके नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें।
ओके, मनोज गुप्ता के पास प्रिकॉल के शेयर हैं 90 रुपये के प्राइस पे, जो उन्होंने 2021 में खरीदे थे, और जानना चाहते हैं कुछ महीने में क्या है 700 रुपये का भाव टच करेगा? नहीं, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कुछ महीनों में, अब वो महीने कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा, 3, 6, 12, 18 नहीं, 3 महीने में तो मुश्किल लगता है, 3 महीने का अगर इनका व्यू है तो मुश्किल लगता है, 12-18 महीने का अगर व्यू लेके चले तो यह स्टॉक पीछे तो 75 रुपए से चला हुआ है, इनको पहले तो ये मानना, और इन्होंने भी नीचे के भाव से ही लिया है, तो 75 वाला 500 हुआ है तो इमीडिएटली 700 हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, नॉट दैट ये जीरो पॉसिबिलिटी है, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मुझे लगता है कि करेक्टिव जोन में जाएगा, 390 से लेके यही जो भी फिलहाल 500 रुपए के आसपास चल रहा है, इन एरियाज में कहीं इसको एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनाना पड़ेगा, तब उसके बाद चलेगा तो मजा आएगा, और अच्छा अच्छे पैसे भी वहां फिर हैं और ऐड भी कर पाएंगे, बट फिलहाल काफी ओवरबॉट है, तो यहां से मेरा कोई स्ट्रांग ब्रेकआउट का व्यू नहीं है यहां पे, इमीडिएटली यहां से ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, शंटी चावला मवाना शुगर के बारे में जानना चाहते हैं, क्या इसमें व्यू बनता है इस करंट प्राइस पे? देखिए, शुगर स्टॉक्स तो देखिए कमोडिटी वाला प्ले है, तो इसमें आप हमेशा ट्रेडिंग का थोड़ा एक माइंड से जरूर रखेंगे, क्योंकि साइकिल्स में प्ले होता है, शुगर भी साइकिल्स में ही रहता है, साल में दो उसमें एक साइकिल पूरी होती ही होती है। फिलहाल तो देखिए बने रहे ट्रेड में, अगर इन भाव से लिया हुआ है और मेरे ख्याल से 98 रुपीज 100 रुपीज के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, तो डीप है लेवल्स, बट वही निकल के आ रहे हैं, 100 रुपए के आसपास ही अच्छे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और मुझे लगता है ऊपर में 140-150 का जगह यहाँ पे बन गई है, जिस तरह का इसका मंथली क्वार्टरली सेटअप्स बने हैं, आई थिंक डेफिनेटली उन एरियाज के आसपास पहुंचने की कोशिश करेगा, तो ट्रेड में बने रहें। अविनाश कुमार ये कह रहे हैं कि सरवेन जी हमेशा रिस्क रिवार्ड की बात करते हैं, तो दो ऐसे शेयर बताइए जिसमें रिस्क काफी कम हो रिवार्ड ज्यादा हो। देखिए अभी तो हमने अभी हमने एक डिस्कस किया जहां रिस्क बढ़िया था, वो था पीएल, तो सामने सामने एक वही आ रहा है, और मेरे ख्याल से अगर आप आईटी स्पेस में ढूंढ के चलेंगे तो डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स मिलेंगे, तो मुझे अभी लग रहा है कि इनफी थोड़ा चला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि उसमें एक नया रिस्क रिवॉर्ड ढूंढ पा रहा हूँ, तो मैं अच्छे नामों के साथ यूजुअली रहता हूँ, मुझे लगता है कि अगर आप 1580 का एक स्टॉप लॉस इन्फोसिस में लेके चलेंगे तो वो तकरीबन 100-110 पॉइंट का यहाँ पे लेवल रहेगा, बट मुझे लग रहा है कि अब इसका जो हाइज है वो चैलेंज होंगे, तो अगर हाइज चैलेंज करने जा रहा है तो तकरीबन 1850-1900 तक की जगह बन जाती है, तो उस केस में आपके पास अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, आई थिंक किसी को अगर वो ट्रेड जमता है तो स्टॉप लॉस मैंने बताया कर सकते हैं। ओके, आकाशवाणी ये इनका हैंडल है और ये बंगलुरु से हैं, इनका कहना है कि इनके पास हिम्मत सिंह का सीट के 1420 शेयर हैं 150 वाले भाव पर, अब बताइए इसमें क्या करना चाहिए? देखिए थोड़ा बना रहना पड़ेगा यहाँ पे, आप देखिए तो ऑलमोस्ट दिसंबर 2023 से यहाँ पे करेक्शन चालू हुआ, वो अब अपने तकरीबन 7वें-8वें महीने में है, एक अच्छी पिसाई हो गई है, 120 के आसपास अच्छा बेस बन गया है, और वो बेस मुझे 2023 के मिडिल से दिख रहा है, तो आई थिंक 120 के नीचे जब तक जाके डिसाइसिव बंद नहीं करता तब तक सेटअप्स यहाँ पे अच्छे हैं, एक बढ़िया लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन यहाँ पूरा हो चुका है, तो टाइम दे, आई थिंक ब्रेकआउट का टाइम देना पड़ेगा, लग तो रहा है कि होना चाहिए जल्दी, बट जैसे होगा ब्रेकआउट तो आई थिंक 200 रुपए के तक के टारगेट्स यहाँ पे पॉसिबल है आने के लिए, तो बट 9 से 12 महीने का अगर पेशेंस रखेंगे तो 190-200 तक की जगह है, और देखिए रिस्क रिवॉर्ड बन गया और हमको मालूम भी है 120 के नीचे कहीं इनको स्टॉप एक ढूंढना है, तो मेरे ख्याल से अगर एक स्टॉप ढूंढना चाहें तो आई थिंक 115-116 के लेवल अच्छे रहेंगे, 115 के नीचे अगर एक स्टॉप लॉस रखेंगे तो यहां से तकरीबन 20-21 रुपए का स्टॉप लॉस और 60 रुपए का टारगेट, तो 1:3 का अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहां पे बनता हुआ दिख रहा है 12 महीने के। अच्छा, एक छोटा जवाब इनका दीजिएगा, एक और सवाल ने पूछा, जक्सन पाल फार्मा 600 शेयर है 382 के प्राइस पे, मिड टर्म के लिए ठीक रहेगा? पर मैं माफी चाहूंगा इस पे, ये वाला तो मुझे पास करना पड़ेगा, इसको मैं बहुत ज्यादा देखता भी नहीं हूं ना, इस पे कोई बहुत स्ट्रांग व्यू है जी। ओके, चलिए समय समाप्ति की घोषणा भी है यहाँ पे, और सरवेन जी का बहुत बहुत शुक्रिया है जुड़ने के लिए, मदद करने के लिए। क्विक ब्रेक, ब्रेक के बाद देखिए आप सबसे बड़ा गेम शो खिलाड़ी नंबर 1।